ही तो गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेगा रैम चैलेंज जो कि हम करेंगे बीच पे। तो गाइस यहाँ पे आज आ चुकी है हमारी डीजे आलोक की टीम जिसमें है आलोक, आदम, अरे क्रोनो, रेडिनो और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है हमारे कोबरा सारे के सारे। और ये डीजे आलोक क्या कर रहे हैं? अरे और ये लड़की यहाँ पे हमारे रैम चैलेंज को क्यों देख रही है? अरे बाप रे, डीजे आलोक ने उस लड़की को मार दिया। तो गाइस आज लगता है मेरे को डीजे आलोक को बहुत ही गुस्सा है क्योंकि आज ना कोबरा की टीम आई है, तो इसके वजह से भाई मेरे को लगता है डीजे आलोक बहुत गुस्से में है। एंड आज डीजे आलोक ने बहुत ही बढ़िया गाड़ी लेके आए हैं, तो देखते हैं गाइस डीजे आलोक क्या कर पाते। तो हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट है एंड ये यहाँ पे भाई साहब इनको सेकंड रैंप पे लैंड करना था बट मेरे को लगता है लैंड नहीं कर पाएंगे और पानी में गिर गए भाई। पता नहीं क्या चल रहा है यार, इसलिए भाई कहते हैं भाई होश में जोश मत खो बैठो, मेरा मतलब जोश में होश मत खो बैठो। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे भाई पर्पल कोबरा आ चुके हैं अभी। ओके इन्होंने बहुत ही छोटी सी बढ़िया स्पोर्ट्स कार ली है एंड ये यहाँ पे भाई अपनी स्पोर्ट्स कार खुदा दिए हैं एंड ये यहाँ पे सेकंड वाले रैंप पे लैंड करने ही वाले थे बट भाई बच गए। एंड यहाँ पे अच्छा हुआ वो बोर्ड से इनकी कार टकराई, नहीं तो भाई ये सेकंड वाले रैंप भाई पहुंच ही नहीं पाते। तो अब ये पता नहीं भाई गाड़ी से उतर के क्या कर रहे हैं। ओके फिर से गाड़ी में बैठ के गाड़ी चालू की एंड अभी गाइस देखने वाला बात ये है कि ये सेकंड रैम से थर्ड रैम तक पहुंच पाते हैं नहीं, एंड थर्ड रैम से डायरेक्ट वो लाल वाला जो गेट है वो पार कर पाते हैं नहीं। बट यार यहाँ पे सेकंड रैम से थर्ड रैम पे लैंडिंग नहीं कर पाए एंड यहाँ पे इनकी हो गई है क्रैश लैंडिंग एंड भाई साहब इसके आगे ये जा ही नहीं सकते। मेरा नाम क्रोनो है, टीम फ्री फायर को जिता के आऊंगा। इन कोबरा नोबड़ों का क्या लगता है, ये जीत जाएंगे? देखो मैं कितनी बढ़िया दो स्पीड कार लेके आया हूँ, वो भी ऑरेंज कलर में। तो गाइस यहाँ पे हमारे क्रोनो भाई आ चुके हैं, अब देखते क्रोनो भाई क्या कर पाते हैं। भाई भाई चलांग तो बहुत ही बढ़िया लगा, ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया है बट ये क्या भाई हक दिया इतनी बढ़िया गाड़ी लेकर के। डीजे आलोक की टीम वाले नोबड़ों को क्या लगता है, ये हमको हरा देंगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक येलो कोबरा जिंदा है ऐसा होने नहीं देगा। देखना मैं जिता दूंगा अपनी टीम कोबरा को और डीजे आलोक की टीम कुछ नहीं कर पाएगी। ओके गाइस तो देखते हैं यहाँ पे हमारे येलो कोबरा क्या कर पाते हैं। वैसे बोल तो बहुत रहे हैं एंड भाई कमाल भी दिखा सकते हैं क्योंकि भाई इन्होंने सेकंड रैंप पे बहुत अच्छे से लैंड कर दिया है। अब देखो यार ये यहाँ से चलांग लगा तो दे रहे हैं बट ये क्या गाइस यार, उनको वहां से चलांग नहीं लगाने चाहिए थे, उनको पहले ब्रेक लगा के यूटर्न लेना था फिर आराम से स्पीड पकड़ के चलांग लगाने थे, तो शायद ये रैम चैलेंज जीत सकते थे यार अच्छे से भाई, पर इन्होंने गलती कर दी। आजम गाइस तुम्हें क्या लगता है मैं जीत पाऊंगा कि नहीं? शिनचैन तुझे क्या लगता है मैं जीत पाऊंगा कि नहीं? चलो पहले नाच के दिखा दूंगा तुम लोगों को। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे डीजे आलोक की टीम से निकल चुके हैं आदम भाई, तो देखते हैं आदम भाई क्या कर पाते हैं भाई। बाकी इन्होंने भाई नाच के तो बहुत ही बढ़िया बताया, तो आप देखते हैं क्या ये उतना ही बढ़िया भाई रैंप पे परफॉर्म कर पाते हैं नहीं। बट यहाँ पे भाई स्पीड बहुत स्लो थी यार, उसके वजह से भाई इनकी गाड़ी भाई बहुत ही पहले डूब गई। भाई साहब पता नहीं आज क्या चल रहा है, आज के भाई कंटेस्टेंट पता नहीं क्या ही कर रहे हैं भाई। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे ब्लू कोबरा आ चुके हैं एंड ये आते ही भाई इतनी बढ़िया गाड़ी ली है इन्होंने भाई साहब, क्या ही मस्त गाड़ी लग रही है भाई इनकी, भाई बहुत ही प्यारी गाड़ी ली है इन्होंने। अब देखते हैं गाइस ये क्या कर पाते हैं इस एकदम सी ओपी गाड़ी के साथ। भाई लगता है ये रैंप पे लैंड कर देंगे बड़े इजीली एंड यहाँ पे इन्होंने रैंप पे लैंड कर दिया। ओके 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 भाई गलती मत करना अपने भाई अपने कोबरा भाई के जैसे। ओके ओके ये गलती नहीं कर रहे, ये अपनी गाड़ी को आराम से पीछे लेके जा रहे हैं, इनको पूरा रैंप को मतलब पूरे पीछे तक जाना पड़ेगा एंड उसके बाद पूरा बूस्ट देके भाई इस रैम से अपनी गाड़ी को खुदाना पड़ेगा, नहीं तो भाई इनके जैसे कोबरा भाई का हाल हुआ तो वैसे ही ब्लू कोबरा का भी हाल हो जाएगा एंड भाई बहुत ही दिक्कत हो जाएगी इनको, है ना। ओके ओके पीछे से आराम से अभी ये आ चुके हैं एंड अब ये आराम से इनको भाई गाड़ी चलानी है एंड यहाँ पे जाके इनको बूस्ट देना पड़ेगा एंड इन्होंने बूस्ट दिया, बहुत ही कमाल का खेल रहे हैं एंड लगता है कि थर्ड रैंप पे लैंड कर देंगे बट नहीं यार थर्ड रैंप पे लैंड नहीं हुई इनकी गाड़ी और ये रेड कोबरा के जस्ट बराबर आके ये रुक गए हमारे ब्लू कोबरा। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे डीनो भाई आ चुके हैं एंड डीनो भाई ने आते ही एक बहुत ही कमाल की स्पीड मतलब स्पोर्ट्स कार ली है जो बहुत ही स्पीड दिख रही है भाई भागने में एंड ये स्पीड है भी एक्चुअली। अब देखते हैं गाइस क्या कर पाते हैं ये इस एकदम बढ़िया सी स्पीड स्पोर्ट कार के साथ एंड यहाँ पे लगता है ये सेकंड वाले रैंप पे लैंड कर देंगे एंड यहाँ पे लैंड कर दी इन्होंने बड़े आराम से। ओके 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 अब इनको भाई ब्रेक लगा के अभी आराम से इस रैंप से भाई इनको जंप लगानी है। ओके तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, लगता है ये डीनो भाई ना इस रैम चैलेंज के एक्सपर्ट है ये वाले सी रैम चैलेंज के। तो देखते हैं गाइस
क्या कर पाते हैं ये। ओके 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 ओके, बड़े आराम से गाड़ी लेके जा रहे हैं ये, एंड ये यहाँ पे ये वाली बोर्ड भी पार करा दी लोग इन्होंने, एंड ये यहाँ पे यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ओके भाई, पहले कंटेस्टेंट है जो यहाँ पे यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इनको गाड़ी सीधी करनी पड़ेगी। गाड़ी सीधी हो गई मतलब ये जीत गए। गाइस यहाँ पे सबसे पहले कंटेस्टेंट जिन्होंने एक पॉइंट ले लिया है, एंड एक पॉइंट जाता है डीजे एलोकेट भाई खाते में। अब यहाँ पे हमारे लास्ट कंटेस्टेंट है जो कि है रेड कोबरा। तो गाइस अगर रेड कोबरा ने भाई जैसे डिनो ने एक पॉइंट लिया, अगर इन्होंने वैसे एक पॉइंट नहीं लिया तो इनकी टीम हार जाएगी, मतलब कोबराज हार जाएंगे एंड डीजे आलो की टीम जीत जाएगी। तो गाइस देखते हैं क्या कोबरा जीतेंगे या डीजे आलो की टीम जीतेगी। ओके कोबरा की गाड़ी यहाँ पर टकरा चुकी है, एंड यहाँ पे भाई साहब इनको गाड़ी सीधी करनी पड़ेगी। बट ये क्या गाइस यार, ये क्या रिवर्स दबा दिया, एंड ये भी बूस्ट देके पता नहीं कहाँ लेके जा रहे अपनी गाड़ी को भाई, पता नहीं प्रॉपर लगता है भाई, पागल हो गया कोबरा। तो गाइस यहाँ पे हमारे फ्री फायर की टीम जीत चुकी है। तो गाइस मेरा मतलब है डीजे आलोक की टीम जीत चुकी है, वैसे दोनों फ्री फायर के ही है। तो आई होप सो आप सभी लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आप सभी लोग डीजे आलोक की टीम को सपोर्ट करते हो तो हैशटैग डीजे आलोक लिख दो, अगर आप लोग कोबरा की टीम को सपोर्ट करते हो तो हैशटैग कोबरा लिख दो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।